एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुरालियों पर गला घोटकर हत्या का आरोप लगाते हुए पति समेत चार के विरुद्ध तहरीर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्री मियां में रहने वाली एक विवाहिता की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। रामपुर जनपद के मिलक के मोहल्ला अजदुल्लापुर के रहने वाले धर्मपाल गुप्ता ने अपनी 23 वर्षीय पुत्री राखी गुप्ता की शादी कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील रोड स्थित मोहल्ला श्री मियां के रहने वाली संजीव गुप्ता से की थी। बीते वर्ष 8 दिसंबर को की। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को उसके ससुराली दहेज के लिए शादी के बाद से प्रताड़ित कर रहे। शनिवार सुबह उसके ससुरालियों ने विवाहिता का गला दबाकर हत्या कर दी। कोतवाली में मृतका के पिता धर्मपाल गुप्ता ने विवाहिता के पति तुषार गुप्ता, ससुर संजीव गुप्ता, सास निशा गुप्ता व ननद अतिका गर्ग के विरुद्ध तहरीर दी है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।